अस्सलाम वालेकुम जी। आज असी तुहानू माशाल्लाह बहुत चंगी जिहड़ी ओह ब्रीड विखाने आ। उंज तां लोकी बड़े बड़े अपने जानवरां दे दावे करदे ने कि यह घोड़ा फलाने का पुत्र है, यह फलाने का पुत्र है, कि सस्ती मशहूरी अपने जानवरां दी करवाण दी कोशिश करदे ने। लेकिन असी अज तुहाडे वास्ते इंशाल्लाह ऐसी वीडियो लैके आए हैं जिहदे विच वाकिया ही जिहड़ा असी कहांगे ओह होवेगा, ते असी मालकां नाल भी गल करावांगे ते इंशाल्लाह तुहानूं शौक भी विखावांगे कि किस तरह साढ़े भी पाकिस्तान दे विच शौक जिंदा है और उन्होंने अपने घरे और डेरियां दे उत्ते अपना जिहड़ा ये सुन्नत भी पूरी की हुई है ते शौक भी पूरा किया होया। तो जनाब अज असी तुहानूं मिलाने आ भाई नाल ते जिहड़ा उन्होंने कोल जानवर ने वह भी तुहानूं दिखाने आ। दुल्ला सियाल घोड़ा बहुत मशहूर घोड़ा है, असी तुहानूं दुल्ले सियाल का जिहड़ा पुत्र विखाने आ कि दुल्ले सियाल का पुत्र किहड़ा ते कित्थे वे। ये तरेड़ा वाला एक इलाका, तरेड़ा वाला पिंड सारियां दे नाल। ते जनाब ये दुल्ले सियाल का पुत्र उन्होंने दुल्ले ते असी तुहानूं दिखाने आ। इस तो पहले अगर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लवो ते बैल आइकन नूं तुसीं प्रेस जरूर करया करो ताकि साडे जिहड़ी वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो चलो जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के असी वीडियो शुरू कर। लो जनाब, है जिहड़ा बछेरा तुहानू नज़र आ रहा है, बच्चा ये दुल्ले सियाल जिहड़ा घोड़ा बहुत मशहूर है ज़माना, जिहड़ा कि इस टाइम लाहौर है। तो यह जिहड़ा घोड़ा तुहाडे सामने नुकरा तुहानू नज़र आ रहा है, ये दुल्ले सियाल का पुत्र जी। तो यह माशाल्लाह है भाई वरे ऑनर ने जी। अस्सलाम वालेकुम वीर जी, की नाम जी अपना? कमर अब्बास। कमर अब्बास इतने घोड़े के नाल ही थोड़ा चला जाए मेरे। अच्छा कमर भाई, तुसीं यह दसो कि लोग बड़े बड़े दावे करते हैं तो कोई भी घोड़ा अपना जिहड़ा ना वो मैच करने की कोशिश करते हैं, ये गल तुहाडी सही है? तुसीं पहले भी गल की है कि अपनी सस्ती मशहूरी लैण की कोशिश करते हैं कि यह फलाने का है जी, फलाने का। मगर तुसीं यह दस्या कि यह दुल्ले सियाल का बछेरा हैगा, तो वैसे इनके जिहड़ा बाप है जिहड़ा हैगा उनकी कोई खसूसियत तुसीं दस सकते जे कि उनकी दुल्ले सियाल की यानी कोई ऐसी खसूसियत होंगी जिंदी वजह नाल काफ़ी मशहूर हो जाता है, तो उनकी की हिस्ट्री की है वैसे दुल्ले सियाल के घोड़े की? सर मैं वैसे इस काम में नया हूं, मुझे इतना अंदाजा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये साढ़े सुनने में आया है कि वो घोड़ा बहुत अच्छा ब्रीडर सी, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, ठीक है, तो जेडे ने शरीफ ने साहू ने मतलब कोई ऐसी खराबी नहीं करते है, ठीक है, वो अपनी पहचान ही आप ने, ठीक है, उनके बच्चे जेडे ने उस घोड़े के, ठीक है, उन्होंने हरकत की वैसे पता लग जाता कि किसी नस्ली बच्चे ने घोड़े के बच्चे ने, ठीक है, उन्होंने शराफत की वजह। अच्छा यह दरा जो थोड़े को माशाल्लाह बछेरा है, इन्हें दरा दिखाया जाए साढ़े नाज़रीन, क्योंकि जिहड़ा हैगा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बछेरा है। इनका जिहड़ा हैगा कोई इनका भी कोई नाम रखे आप बछेरे का? इनका की नाम की इनका रखे जी? नाम रखे फखरेद्दीन। फखरेद्दीन जी जी। अच्छा फखरेद्दीन की उम्र इस टाइम जी हैगी कितनी हैगी इस टाइम? साढ़े चार। जरा मुँह खोल के जरा चैक साढ़े नादरी ने भी करवाया जी। तो असं थोड़े को जरा यह भी पूछना चाहते हैं कि असल जी लोग कहें जी सूँ तो जी उम्र का पता ही नहीं लगता घोड़े की उम्र का, तो जरा उन्होंने जरा तुम दसना कि घोड़े की उम्र जी ना कितों पता लगता, कितों चैक हों कि घोड़ा जरा इन उम्र कि इस टाइम? सर यहाँ मूँह ही खोल के पता लगाया जा सकता है कि घोड़ा कि उम्र बच्च, अगर ये पंज लगन की एक निशानी होंगी है, दंद होंगे ने दो फुटे उन्होंने कहते हैं निकल आवन, तो उन्होंने बन जाता है। तो इस टाइम इनका जोड़ा है फखरेद्दीन के दंद निकल चुके हैं? ये नहीं निकले हैं, ये बछेरा वे असी हूँ तैयार किया वे, ये दौड़ना है राती एक जलसा पहला दौड़ के आया ये। अच्छा जी, तो कि जगह उत्ते जलसा इन्हें किया? मटवाले नाल करीब ही है जी, नाल करीब ही है नवाई है। अच्छा ठीक, उठे मटवाले जलसे तो पहले दिन दौड़ के आया ये। ठीक हो गया। तो इनका जोड़ा है इनकी तकरीबन हाइट कि होगी इस उम्र के चार साल इनकी उम्र है, इनका कद जोड़ा है वह कि होगा? तकरीबन तकरीबन 7 गिठा है जी, यानी 60 इंच इनका, 60-62 इंच तकरीबन 65 इंच है। 65 लो जनाब, इनका जोड़ा है जे कद जोड़ा वो 65 इंच के करीब है, तो हाले जोड़ा है ये 4 साल का बच्चा है और ये सियाल का बच्चा है।
माशाला पिछों तुम देखो जी हाइट तुम देख सकते जो माशाला बहुत ही प्यारी चीज़ है। साढ़े दोस्त कहते थे जी सानू अच्छे अच्छे जानवर दिखाओ तो माशाला तुम अच्छे 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 जानवर दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बच्चा है दुल्ला सियाल दा ये बच्चा जी माशाला बहुत खूबसूरत बच्चा जी और एक जलसा जरा माशाला करके आया। वैसे जलसे दे बेचे इनकी कारकर्दगी कैसी रही? बहुत अच्छी कारकर्दगी। माशाला जी बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं बहुत प्यारी चीज़ है और पाँव वगैरह भी बिल्कुल साफ पाँव है। जनाब ए बच्चा जरा दे दुले सियाल का तो जनाब ये दुले सियाल का बच्चा इनकी कोई माँ का भी कोई पता है इनकी माँ कि वो जरा नाल जरा है खलोता है घोड़ा है वाला ये कि ब्रीड हैगी अपने को ठीक है बेरी वाला बंगला जा। ए बेरी वाला बंगला कि जगह उत्ते आता सर मोना डिपू के नाल बेरी वाला बंगला उत्थे घोड़ी है घोड़ा बाप जो वैसे भी उतो ही लै गया मक्का भी मशहूर बच्चे घोड़ा बहुत अच्छा ब्रीडर घोड़ा वे इनू हाले को दौड़ाना छुड़ाना कोई सबक सुबक देना शुरू किया ठीक है यदि जी हूँ भी महीने उम्र पूरी हुई है ये तीन तीन महीने चार महीने जी गर्मिया के कट के फिर इन तैयार करा यानी हाले ये उम्र ही बच्चा है भी महीने का बच्चा हाले माशाला जी बहुत माशाला हाइट की तैयार करने वाला जरा टाइम नहीं शुरू हो सही है गर्मिया हूँ कट के तो फिर इन तैयार करा जी माशाला बहुत ही खूबसूरत बछेरा जो 20 महीनों का बछेरा है और देखो तुम इनका कद जो है कद इनका भी मेरा ख्याल है उन्हें नालों एवं थोड़ा जहा फर्क होएगा यह जरा घोड़ा है इनकी कितनी सर उम्र होगी पूरी 8 साल तो यह भी इनका कोई नेजाबाजी वगैरह सिखाई है या दौड़ रेस करता नेजाबाजी करता यह भी जलसे तो लैके गया हुआ तो कोई अच्छा सर कोई अगे जरा मुस्तकबिल ब्रीडिंग का भी कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया जिस तरह कोई अच्छे जानवर हासिल किए जावन अच्छे बच्चे हासिल किए जावन प्रोग्राम बनाया यानी सोच रहा है जे कि इस बारे दे भी कम करना है। अच्छा इनकी 8 साल उम्र है जे तो इनकी नस्ल के बारे च लो जी इनकी नस्ल के बारे मालूमात नहीं है लो जी एक ए बछेरा है जे और बड़ी थोड़ी उम्र है जी बच्चा है माशाल्लाह तुम देखते हो सफाई सफाई का काम मेरा कहना सफाई भी इतने बहुत ज़्यादा
और देखो तुम्हें पक्के लाए हो माशाल्लाह, मैं चाहते थे पक्के लाए और बहुत खूबसूरत चीज़ा ने जी रखी हुई उन्होंने अल्लाह पाक उन्होंने होर ज़्यादा तरक्की वो इस चीज़ के बीच कर अच्छे अच्छे जानवर होर पालन। तो उस तो बाद जी एक ऐ छोटा जि बछेरा जी ए जरा बछेरा ये तो ट्रेनिंग वास्ते इन्हें तुम वल सीखते जी इन्हें वल सीखते जी कि पजाना है कि पजाना है काफ़ी पजान है जी जी कै बछेरा है जी ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे ट्रेन ठीक लो जी जनाब अगर तुम्हें वीडियो चंगी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला इस तरह थोड़े नाल होर अच्छे अच्छे तुम जानवर विखावे तो साढ़े नाल रहा जी जनाब असी अज तुम जगा इन सब ना जो अच्छा जानवर जे वो दुला सियाल है दुले सियाल का जोड़ा वो बछेरा जे तो जनाब इजाजत चाहते हैं जी इंशाल्लाह वीडियो के फिर मुलाकात होगी जनाब ये तुम कमेंट करके जरूर मैं दसना जे कि यह जी वीडियो है तो किस तरह की लगी है तो असी हम भाई और पूछने कि इनू जोड़ा वो खुराक वगैरह जी है ना वो की इस्तेमाल कराते हैं जानवरों तो बड़ा पूछना भाई जान सिर्फ आखिरी सवाल ये है कि माशाल्लाह बड़े खूबसूरत घोड़े रखे हुए हैं तुम अल्लाह पाक तुम्हें इज्जत देवे और तुम्हारी खिदमत जानवरों के नाल अल्लाह पाक को कबूल कर तो माशाल्लाह पक्षियों का निज़ाम भी ये थले सफाई वगैरह भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है तो ज़रा तुम यह दसो जे साडे शौकीन हजरात ने भाई ने जोड़े नवे घोड़ा रखना चाहते हैं मगर वो सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं असं इन्हों की पाना है तो ज़रा यह मौजूदा जोड़े हालात जा रहे हैं गर्मी का मौसम शुरू हो इन जानवरों कि अच्छी चीज़ इस्तेमाल कराई जाए ताकि उन्होंने सेहत भी अच्छी रहे मेदा भी ठीक रहे हर वो जड़ा है ना अफजाइश भी होती ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए तो तुम माशाल्लाह की इस्तेमाल करा रहे जानवर एक पा तेल एक घोड़े एक पा ते ओ सर एक पा जिहड़ा तेल है वो देन दा तरीका कार की है वैसे इस तरह चोकर दे विच ही मिक्स कर दियो जिवें मिक्स करके ना वंडे च मिक्स कर दियो वंडे च मिक्स करके दे बाकी मसाला वगैरह होंदा है वो जिहड़े बंदे फिर रूटीन दा घोड़े रखदे ने उहनां नूं रूटीन दा पता लग जांदा कि असीं आ चीज इस्तेमाल करनी है जी ठीक हो गया बड़ी मेहरबानी सर बहुत नवाजिश अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे तो जनाब नाज़रीन तुसी एक कमेंट करके जरूर सानू दसना जी इस वीडियो के बारे तो इंशाल्लाह नवी वीडियो के फिर तुहाडे नाल मुलाकात होगी इजाजत चाहते हैं जी फी मानुल्लाह अल्लाह हाफिज़।